लालगंज थाना क्षेत्र के बामी गांव में 13 हत्याकांड का खुलासा 90 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक ना किए जाने से शुभ्ध संयुक्त ब्राह्मण संघर्ष मोर्चा का प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक से मिला। मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र सौंपकर न्याय के लिए सीबीआई जांच की मांग की गई है। पत्रक में कहा गया है कि अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, 6 दिन में जांच का आदेश न देने पर अनशन करने की सहमति समझी जाएगी। 3 किशोरों की हत्या किए जाने के बाद भी अब तक खुलासा न होने से क्षेत्र में दहशत और समाज के लोगों में रोष व्याप्त है। ब्राह्मण समाज के विभिन्न संगठनों ने संयुक्त ब्राह्मण संघर्ष मोर्चा का गठन कर न्याय के लिए आंदोलन की तैयारी में लगे हैं। बता दें कि लालगंज थाना क्षेत्र के बामी गांव में 31 नवंबर 2020 को परिवार के साथ वैवाहिक समारोह में शामिल होने के लिए बालक आए थे। दूसरे दिन लड़की की विदाई के बाद घर के 3 बच्चे जंगल में बेर खाने गए थे। दूसरे दिन एक बांध के किनारे उनके शव पड़े पाए गए थे। पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट में बच्चों की हत्या किए जाने की बात सामने आई थी। एडीजी वाराणसी समेत जिले के तमाम आला अधिकारियों ने घटना स्थल का निरीक्षण भी किया था। दूसरी ओर पीड़ित परिजनों ने क्षेत्रीय विधायक छानबे राहुल कोल और नगर विधायक पंडित रत्नाकर मिश्र के साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी व्यथा व्यक्त की थी। इन सब के बावजूद अभी तक हत्यारे पुलिस की पकड़ से बाहर है। हत्याकांड पर से पर्दा उठाने और अपराधी को कानूनी शिकंजे में पकड़ने के लिए सीबीआई जांच की मांग की गई है। पत्रक सौंपने वालों में डॉक्टर गणेश प्रसाद अवस्थी, गोवर्धन त्रिपाठी, मधुकर मिश्र, रविंद्र कुमार राय, सुरेंद्र दुबे, सूर्यकांत एवं जगदीश उपाध्याय प्रमुख रूप से शामिल थे। आप अपना पर्चे बताएं। मैं डॉक्टर गणेश प्रसाद अवस्थी, अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज कल्याण समिति मिर्जापुर। जी, आज आप यहाँ कलेक्ट्रेट में आए हैं, क्या मामला है? ब्राह्मण संयुक्त मोर्चा के माध्यम से हम एक ज्ञापन देने आए हैं और विषय है कि बामी गांव में जो 3 बच्चों की हत्या हुई उसका आज तक अता पता नहीं चला। उसके लिए कई बार पत्रक दिए जा चुके हैं, अधिकारियों से मिला जा चुका है और सीबीआई के जांच की मांग की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। आज उनको यह स्मरण दिलाने के लिए हम लोग आए कि अगर 6 दिन के अंदर सीबीआई की जांच का आदेश नहीं निर्गत होता है तो हमें आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। मैं गोवर्धन त्रिपाठी, अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के प्रदेश कोषाध्यक्ष हैं और जो संयुक्त मोर्चा बना है, जितने भी ब्राह्मण समाज मिर्जापुर के हैं सब एक होकर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। 3 ब्राह्मण बालकों का एक ही परिवार की हत्या हुई जो कि जघन्य अपराध में आता है। इस समय मुख्यमंत्री जी का कहना है कोई भी अपराधी बचेगा नहीं, या प्रदेश छोड़ देगा या अंदर रहेगा। 2 महीना का दिन बीत गया, आज तक अपराधी पकड़ा नहीं गया। न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए।